भिलाई 3 के नजदीक सोमनी गांव में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कैप्सूल ट्रक की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। मृतका पायल साहू समीपस्थ ग्राम डुंडेरा की रहने वाली थी। वह अपने पिता को NSPCL पावर प्लांट छोड़ने जा रही थी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के मुताबिक पायल साहू के पिता डुंडेरा निवासी अशोक साहू सोमनी से लगे NSPCL पावर प्लांट में वाहन चालक हैं। सुबह 9:30 बजे के आसपास पायल अपने पिता अशोक साहू को जुपिटर वाहन में कार्यस्थल छोड़ने जा रही थी। स्कूटी सवार युवती सोमनी से भिलाई 3 की ओर जा रही थी। इसी दौरान पावर प्लांट के राखड़ बांध से निकलने वाली कैप्सूल ट्रक ने जुपिटर वाहन में सवार पिता व पुत्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पायल साहू की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके पिता को सामान्य चोटें आई है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और भारी वाहनों की यहां से आवाजाही रोकने के लिए सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते देखे गए। सूचना पर पहुंची पुरानी भिलाई थाने की पुलिस ने ग्रामीणों को चक्का जाम खत्म करने समझाइश दिया। लगभग 2.5 घंटे के बाद CSP छावनी कौशलेंद्र देव पटेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर दोपहर 12 बजे के आसपास चक्का जाम खत्म हुआ। बहरहाल ग्रामीणों ने कैप्सूल वाहन पर रोक लगाने की मांग शासन प्रशासन से की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।